भिवानी शहर के निकट खरखरी रोड पर एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। युवक की पहचान शंकर डांस के रूप में हुई है। शंकर को रात को अकेले ही देखा गया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सामान्य हॉस्पिटल में भेज दिया है। शंकर रात को घर से निकला था। वह डांस करके अपना व परिवार का पेट पालता था। शंकर जब रात को वापस घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। सुबह उसकी लाश खरखरी रोड के निकट खेतों में मिली। पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। नजदीक में एक सिक्योरिटी गार्ड का कहना था कि उसने रात को शंकर को अकेले एक बैग लिए देखा था। उसने बताया कि शंकर कूलर की फैक्ट्री के नजदीक से कहीं जा रहा था। मामले की जानकारी मिलते ही थाना सदर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और हत्या का मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। भिवानी से राजेश बिष्ट की रिपोर्ट। मेरा क्या नाम है? रवि नाम मेरा। मैं 9 बजे करीब, मैं सिक्योरिटी गार्ड का काम करता हूँ। 9 बजे करीब मैंने यहाँ देखा था, ठीक है, कूलर की फैक्ट्री के पास। उसके बाद मैंने देखा नहीं। कैसे क्या कुछ था उसके पास? उसके पास बैग था, बस साथ में कुछ नहीं था, अकेला था ये, और कुछ नहीं था इसके पास। कल सुबह रेतला मिली थी, एक यहाँ खरकड़ी रोड पे है ना, एक डेड बॉडी पड़ी है। रेतला पाकर मौके पर आए हैं, तो ये शनाख्त हो गया शंकर है, महावीर का, काकड़ोली सरदार है का, यहीं लाजपत नगर भिवानी में रहता है। ये नाच गाने का काम करता है। हमने 9:30 बजे से घर से वो फ्रेंड्स कॉलोनी में गया था, लेकिन वापस नहीं आया। तो सुबह घर के पता किया तो यहाँ ये इतला मिली ना भैया, एक डेड बॉडी पड़ी है, उसके बाद ये शनाख्त हो गई। देखने में मतलब इसका मर्डर लग रहा है, गहरी चोट है और किसी ने मर्डर किया है। प्रथम दृष्टि वारसान के बयान लेके और उचित कार्रवाई।